आजमगढ़ में कई क्षेत्रों में भोले भाले गरीब वंचित दलित वर्ग के लोगों को ईसाई बनाने के लिए धर्मांतरण का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। इसकी एक बानगी आज कंधरापुर थाना के पांडेयपुरा चौरा में दिखाई दी। शहर कोतवाली के सराय मंदराज निवासी जित्तू सोनकर के द्वारा पुलिस से की गई शिकायत के अनुसार वह सत्संग की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचा, तब देखा कि स्थानीय निवासी राजेश कुमार पुत्र श्रीपति राम व उसकी पत्नी इंदुबाला के द्वारा कई लोगों को अपने घर के पास इकट्ठा किया गया है। प्रार्थना सभा, भूत प्रेत बाधा दूर करने के नाम पर पैसे का लालच देकर अंधविश्वास में लिप्त लोगों को ईसाई बनने के लिए खुलेआम कहा जा रहा था। जब उसने विरोध किया तब उसको भी पैसों का लालच देकर चुप रहने की धमकी दी गई। इसकी सूचना मिलने पर हिंदू संगठन के लोगों ने तत्काल पुलिस को अवगत कराया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, तब बर्थडे पार्टी का बहाना बनाया जाने लगा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। सुनते हैं मामले में हिंदू संगठन के पदाधिकारी ने क्या जानकारी दी। गौरव सिंह रघुवंशी प्रांत से मुझे गोरक्षा विभाग विशुंदु परिषद गोरक्ष प्रांत। आज हम लोग को सूचना मिली कंदरापुर थाना अंतर्गत एक गांव पांडे चौरा, जहां पर राजेश कुमार एवं उनकी पत्नी द्वारा अपने घर पर सैकड़ों की संख्या में भोली भाली हिंदू महिलाओं और बच्चों को जुटा करके उनको ईसाई बनाने का प्रयास किया जा रहा था। भूत प्रेत अंधविश्वास के नाम पर और अन्य प्रकार के प्रलोभन देकर के वहां पर हमारे भोली भाली जनता को हिंदू से ईसाई बनने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा था, जिसकी सूचना हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा मिली और इसके बाद सक्षम अधिकारियों को अवगत कराया गया। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि कड़ी कार्रवाई इन पर किया जाए, ताकि जो भी लोग धर्मांतरण के षड्यंत्र में हमारे जिले या अन्य जगहों पर भी सम्मिलित हैं, उनको ये संदेश जाए कि यह कानूनन अपराध है और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। यह घटना जो है आजमगढ़ में अनेकों घटनाएं पहले भी हुई हैं, अब भी हो रही हैं, तो जिला प्रशासन को इस पर सख्ती से सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा, ताकि इन घटनाओं पर रोक लगाई जाए।